आजकल मिलते में जो भारत के साथ गद्दारी करते हैं उनको बड़ी खतरनाक सजा दी जाती है, जैसे रेड फोर्ट की सजा, उसके बाद में उनका आता पता ही गुम हो जाता है कि वो कहाँ से देखे देश में। यहाँ भी ऐसे ही होता है, यहाँ गद्दारी करने वाले हैं या नहीं है, गद्दारी करने वाले गद्दार निकले या नहीं निकले, ऐसे गद्दार यज्ञ के आज में भी निकले थे जिन्होंने खून से लिख करके दिया था, फिर गद्दारी कर गए। जो आज में हुआ तो अंत में भी होता है, पहले तो स्थूल खून से लिख करके दिया था, अभी तो संकल्पों के खून की बात है। 7 दिन का कोर्स दिया जाता है उनकी संकल्प सरणी सुधारने के लिए, कोई को 7 दिन का कोर्स लेते समय बहुत मेंटल टेंशन भी होता है, विरोध भी करते हैं ये कैसे हो सकता, फिर उनको समझाया जाता है, अच्छी तरह समझ जाते हैं तो उनसे निश्चय पत्र लिखाया जाता है। निश्चय पत्र भी ऐसा नहीं ये सिर्फ समाज के लोग मान लें, सादा कागज पे लिखा हुआ नहीं, कोर्ट भी साबित करे किसने पक्का निश्चय किया है, झूठा एफिडेविट नहीं लिखा है, शपथ कराई जाती है। जैसे राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट का भी जिस चीफ जस्टिस क्यों न हो, उसको भी कुर्सी पर बैठाने से पहले शपथ कराई जाती है, तो ऐसे शपथ पत्र लिखने के बाद भी कोई गद्दारी करते हैं, ऐसे मैं नहीं मानता ये मेरा बाप है, वो तो ऐसे ही लिख दिया था, तो ऐसे जो गद्दार होते हैं वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। जब ब्राड ड्रामा चलेगा और धर्मों की स्थापना शुरू हो जाएगी तो वही गद्दार वहां जाकर के गद्दारी का पार्ट बजावेंगे या नहीं बजावेंगे, हाँ बजावेंगे, और जिन गद्दारों ने भगवान के सामने शपथ लेकर के गद्दारी की, अम्मा की तो बात छोड़ दो, जो ऊंची से ऊंच भगवान बाप पार्टधारी है उसके सामने ही गद्दारी कर दी, तो भारत में परंपरा है कि जो जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए उन कन्वर्ट हुई आत्माओं को कभी भी भारतवासियों ने अपने धर्म में स्वीकार नहीं किया। बल वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के वहां से भी असंतुष्ट हुए और नीचे धर्मों में गिरते गए। जैसे कोई को गुस्सा आता है ना, परिवार में कोई परिवार का भांति ऐसा हठी होता है
कि हट पूर्वक दुष्ट कर्म करता जाता है, हट पकड़ लेता है कि मेरी बात मानो, और अगर नहीं मानता है परिवार का जो ग्रुप होता है वो उसकी बात नहीं मानता है तो क्या करता है, और ही दुष्ट कर्म करता जाता है, शराब पीना, रंडीबाजी करना, दूत किया करना, नीच से नीच कर्म करके दिखाता है। तो ऐसे ही ऐसे ऐसे हठयोगी भी हैं जो गिरते हैं तो गिरते ही चले जाते हैं, जैसे आर्य समाज यहां तक गिरते हैं कि धर्मों के ऊपर उनकी आस्था ही उठ जाती है, हम कोई धर्म को नहीं मानते, धर्म मेरे परेक्ष, हमें कोई धर्म की अपेक्षा नहीं है, ऐसे नास्तिक बन जाते हैं। तो मिलिट्री का मिसाल दिया भाई ने, वो फां हो जाते हैं, वो कल्प का अंत जब तक न हो जाए, और जब तक नए कल्प की आदि करने के लिए बाप न आ जाए, तब तक वो नेस्त नाबूद होकर रहते हैं। उन नेस्त नाबूदों के ऊपर भी दया करने के लिए दया के सागर बाप को आना पड़ता है, उनको कोई भी उठाने वाला नहीं। तो कहां शूटिंग हो रही है, किसने प्रश्न किया था, यहां शूटिंग हो रही है। और बाबा जो मोदी ने बताया है कि लास्ट में विनाश के पहले प्लेन तैयार होगा, प्लेन एरोप्लेन तैयार होगा, एरोप्लेन तैयार जो स्वर्ग में देवता है उसका इस्तेमाल करेंगे, वो प्लेन का क्या रहते ये कहां से बात उठाई, मुरलियों में ये बात उठाई कि विनाश होने से पहले एक एरोप्लेन तैयार होगा, वो देवता ही यूज करेंगे, मुरली से ये बात उठाई, अब विश्ववाणी से ये नहीं बोला, ये बोला कि जब विनाश होगा तो सारी दुनिया में सबस्टेबल बच्चे जो बिखरे हुए हैं, क्योंकि रुद्रमाला के मणके तो बीज है ना सारी दुनिया के, हर धर्म के बीज है ना, तो हर धर्म में अंत में बिखर जावेंगे ना सेवा करने के लिए, तो विनाश के टाइम पर उन बच्चों को उठाने के लिए बाबा क्या लेंगे, हेलीकॉप्टर भी लेंगे, विमान की बात नहीं बताई, जहाज की बात नहीं बताई, हवाई जहाज की, क्योंकि हवाई जहाज के लिए तो पट्टी चाहिए, क्या उसके लिए तो लंबा रोड चाहिए बना बनाया, वही उतर सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर तो चाहे जहां भी उतार दो, समंदर में कोई डूब रहा है उसको भी उठाने के लिए समंदर की सतह पर उतार दो, डूबने वाले को उठा लो। तो आपने बात गलत उठा ली थोड़ी, और अच्छी मिलिट्री में जो लंबे समय तक अंत तक उत्तर भारत के लोग ज्यादातर रहते हैं, बीच में दक्षिण भारत के लोग छोड़ के चले जाते हैं, इसका बेहतर मिलिट्री विदेशी
दक्षिण भारत वालों को बताया, भारत का विदेश दक्षिण भारत, क्योंकि भाषा भी दूसरी है, परंपराएं भी दूसरी है, लेकिन एक खासियत बताई है विदेशियों की, क्या? विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं। तो यूपी शायद या उत्तर भारत के लोगों ने नहीं पहचाना, किसने पहचाना? दक्षिण भारत के लोगों ने बाप के पार्ट को पहले पहचान लिया, लेकिन पहचान तो लिया, क्या संपूर्ण रूप को पहचान लिया? बाप का जो स्वरूप है, जो है, जैसा है, जिस रूप में पार्ट बजाए रहा है, पूरा ही पहचान लेते हैं या अधूरा पहचानते हैं? है? अधूरा पहचानते हैं, इसलिए बाद में जैसे एडवांस पार्टी के आदि में जो बीज रूप आत्माएं निकली खास, उन्होंने पहले पहले तो पहचाना, प्रत्यक्ष किया, और बाद में भूल गई। इसी तरह दक्षिण भारत के विदेशी हो या दुनिया के हिसाब से विदेशी हो, भाषा का पूरा ज्ञान न होने के कारण और भारतीय परंपराओं का पूरा ज्ञान न होने के कारण शास्त्रों का पूरा ज्ञान न होने के कारण बाप को पूरा नहीं पहचान पाते, इसलिए अंत तक साथ नहीं निभा पाते। उनमें से चुनिंदा थोड़ी आत्माएं निकलती हैं, जो बाप को पहचानने में सिद्ध हस्त होती है, क्योंकि वो अपनी आत्मा को विदेशी नहीं समझते, वो जान लेते हैं कि हम इस शरीर से इस जन्म में विदेशी हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित होने के कारण आज से ही पक्के पुरुषार्थी होते हैं, इसलिए दक्षिण भारत में खास अष्टदेवों की विशेष मान्यता है। उत्तर भारत में उन अष्टदेवों की मान्यता तो है, नवग्रहों के रूप में पूजन तो होता है, परंतु उनकी मूर्तियां नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो मूर्ति, वो शरीर विदेशी है या स्वदेशी है? है? शरीर विदेशी है, सिर्फ आत्मा की पूजा करते हैं। पटली पर नवग्रह बनाते हैं, उनका पूजन करते हैं उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में उनकी मूर्तियां भी बनाते हैं और उनके मंदिर भी बनाते हैं। और आपकी बात का समाधान नहीं हुआ क्या? हाँ जी,
सन्यासी तो अपने घर बार को छोड़ते हैं तो वो हीन समझ के छोड़ते हैं या श्रेष्ठ समझ के छोड़ते हैं? है? हीन समझ के छोड़ते हैं। स्वर्ग की तो बात और ही दूर की हो गई, स्वर्ग को तो वो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। जो घर गृहस्थ का सुख है उसे ही छोड़ देते हैं। कागविष्ठा का तो अर्थ ही है कि मनुष्य जो खाता है उस खाए हुए का रस मनुष्य का शरीर ग्रहण कर लेता है, मस्तिष्क ग्रहण कर लेता है और बाकी जो कचरा बचता है उसे मनुष्य की विष्ठा कहा जाता है। उस कचड़े को, मनुष्य की विष्ठा को कौआ खाना पसंद करता है और कौआ मानवीय विष्ठा को खा करके उसमें से भी रस निचोड़ता है और वो रस निचोड़ने के बाद जो बचता है कचरा वो कागविष्ठा कहा जाता है। तो सन्यासी तो असली सन्यासी कौन है? है? असली सन्यासी कौन है? जो स्वर्ग में जाते ही नहीं, हीन समझ करके छोड़ देते हैं, वो कौन है? वो हैं और धर्म के धर्म पिताएं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके पक्के फॉलोअर, जो कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते ही नहीं, वो स्वर्ग में जाते हैं? हैं? नहीं जाते हैं। वो असली सन्यासी हैं जो स्वर्ग के सुखों को कागविष्ठा समान समझते हैं। क्यों? क्यों ऐसा समझते हैं? है? हाँ, मानते नहीं वो तो ठीक, लेकिन कागविष्ठा क्यों समझते हैं? है? अंगूर खट्टे नहीं, नहीं, वो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों से ही निकलते हैं। जितने भी वर्तमान में ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, जो न स्वर्ग के रचयिता को मानने के लिए तैयार है और न ऐसे स्वर्ग को मानने के लिए तैयार है जो इन आंखों से देखा जा सके, इस शरीर के द्वारा अनुभव किया जा सके, उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो तो कागविष्ठा समान है, वो स्वर्ग, असली स्वर्ग तो हम भोग रहे हैं अभी वर्तमान में, जो ब्रह्मा बाप ने हमको वर्षे में दिया है। फिर भी माने बाद में, इसमें नई बात क्या हुई? ऐसा तो कोई सत्य होता नहीं जो बाद में त्रेता न बने 14 कलश संपूर्ण।
ऐसा तो कोई देवता होता नहीं जो सूर्यवंशी से बाद में चंद्रवंशी न बने। हाँ जब हाथ के समुद्र में जाते हैं तो वहाँ ऊंची लहरें भी होते हैं, जहाज हिलता डुलता भी है, उसके बावजूद भी वहाँ बिना मेहनत का अवस्था अच्छा रहता है और पढ़ाई भी अच्छी होती है या यात्रा भी अच्छी रहती है, वही चीज जब जमीन पर आते हैं तो नहीं रहती है। वो तो हद की बात हुई, बेहद की बात है। ज्ञान सागर, ज्ञान सागर में जो कंठे पर भी रहते हैं उनकी भी अवस्था अच्छी रहती है, और ज्ञान सागर के अंदर गोते खाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो उनकी अवस्था अच्छी रहेगी या खराब रहेगी? अच्छी ही रहेगी। भले जो जितना ऊंचा पुरुषार्थ करता है ज्यादा तीव्र पुरुषार्थ की धुन में रहता है तो माया भी उसके हाथ धो के पिछाड़ी पड़ती है। तो आत्मा रूपी जहाज को हिलाएगी डुलाएगी या नहीं हिलाएगी डुलाएगी? बहुत माया के तूफान लाती है, फिर भी जो अच्छे पुरुषार्थी है उनकी अवस्था डाउन नहीं होती है। जितना ज्यादा माया हिलावेगी उतना जास्ती उनका तीव्र पुरुषार्थ और निखरता जाएगा। सागर में रह करके, सागर में डुबकी लगा करके, सागर के नजदीक रह करके पुरुषार्थ करने की तो बात ही और है। सन्यासी गंगा के किनारे चौकड़ी मार के बैठते हैं, जो गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ मानी जाती है, परंतु वो गंगा भी अंत में सागर में जाकर के मिलती है, सागर में जाकर अपने को मर्ज कर देती है। तो सन्यासी जो कंठे पर बैठते हैं वो कंठा ज्यादा श्रेष्ठ हुआ या सागर का कंठा ज्यादा श्रेष्ठ हुआ? ये तो वही बात हो गई कि भक्त हैं हनुमान के मंदिर में जाते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, हनुमान राम की पूजा करता है, राम जाकर के शंकर की पूजा करता है और शंकर शिव की याद में बैठता है। तो सोचने वाला सोच सकता है ना कि आखिर किसको पूजा, किसके कंठे पर बैठना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, आखिरी गति हमारी कौन सी है? अगर हनुमान का कंठा पकड़ेंगे तो हनुमान जाकर के राम में डूब जाएगा, राम की याद में डूबेगा, तो हनुमान डूबेगा तो हमको भी डूबना पड़ेगा। तो ऊंची से ऊंची तो एक ही भगवान है जो सर्व का सदगति दाता है। और कोई ने प्रश्न किया है, बाबा बारमा बाबा को साक्षात्कार हुआ, माने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, उनसे पहले शिव बाप
इस धरती पर आ चुका था क्या? उनसे पहले, इनसे पहले ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार होने से पहले क्या जवाब आएगा? है? क्या जवाब आएगा? पहले भक्ति चाहिए या पहले ज्ञान चाहिए? पहले क्या है, पहले भक्ति है या पहले ज्ञान है? इस सच्ची पर सारी दुनिया में 2500 वर्ष से भक्ति ही भक्ति है। वो भक्ति की पराकाष्ठा चाहिए। जब आती होती है तब ही अंत होता है, या आती होने से पहले ही अंत हो जाता है? आती होती है तो भक्ति की पराकाष्ठा चाहिए। पराकाष्ठा के लिए समझना पड़ेगा। ज्ञान सागर कौन है और भक्ति का सागर कौन है? एक है ज्ञान सागर राम बाप, और बाकी सब है नंबर वार भक्तियां। फिर उनमें अव्वल नंबर भक्ति कौन है? अव्वल नंबर सीता कौन है? है? अव्वल नंबर सीता है ब्रह्मा। तो अव्वल नंबर जो भक्ति है, भक्तों को साक्षात्कार होता है या ज्ञानियों को साक्षात्कार की जरूरत है? अव्वल नंबर भक्त को साक्षात्कार हो, और वो साक्षात्कार पराकाष्ठा तक पहुंचे। वो अव्वल नंबर भक्त को साक्षात्कार हुआ और भक्ति की पराकाष्ठा तक भागा, भक्ति पूरी होती है या नहीं होती है? है? होती है। तो भागते भागते भक्ति पूरी हुई, अब क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। और ज्ञान ज्ञान सूर्य से मिलता है। जो ज्ञान सूर्य पूरब में मिलता है या पश्चिम में मिलता है? पूरब में मिलता है। तो भक्ति हुई पश्चिम में, भक्ति का साक्षात्कार की पराकाष्ठा हुई पश्चिम में। कहाँ है? सिंध हैदराबाद। और वो भक्त भागा, भक्ति में तो भाग नहीं होता है। भागते भागते गुरुओं के वाराणसी आदि के चक्कर काटते काटते कहाँ पहुंचा? पूरब में पहुंचा। भारत का पूर्व कौन सा शहर है? पूर्वी शहर कलकत्ता, जहां से सूर्योदय होता है। भक्ति का फल भगवान मिला, भगवान से ज्ञान मिलता है। तो पहले भगवान आया या ब्रह्मा बाबा को पहले भक्ति का साक्षात्कार हुआ? प्रश्न ये है कि पहले ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ या पहले भगवान आया? अरे सीधा सा जवाब है, पहले भक्ति आधार चाहिए। क्या आधार? माने धरनी चाहिए। फसल बोई जाती है तो पहले किसकी तैयारी करते हैं? धरणी तैयार करते हैं।
वो धरणी ऐसी भक्ति भावना वाली चाहिए। इतनी पराकाष्ठा की भावना हो कि बीज भल नष्ट नाबूद हो जाए। बीज ज्यादा पावरफुल होता है कि वृक्ष ज्यादा पावरफुल होता है? बीज बहुत पावरफुल होता है। वो बीज नष्ट नाबूद हो जाए, फेल हो जाए, लेकिन धरणी अपनी भावना को न छोड़े। इसलिए भारतीय परंपरा में बीज डालने वाला बाप शरीर छोड़ देता है और माँ बीज को धारण करके गर्भवती हो जाती है। भक्ति मार्ग में तीव्र गति से सतोप्रधान भक्ति जब चल रही थी तब भी सती प्रथा चल रही थी। पति के शरीर छोड़ने पर माता भी सती हो जाती थी, अपने शरीर को स्वाहा कर देती थी। लेकिन अगर उसके गर्भ में बच्चा है तो क्या विधान था? वो सती हो सकती है या नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती। ये भक्ति मार्ग का विधान था कि माता को उस पिता के प्रतिरूप बच्चे की पालना करनी है, जन्म देना है। घरबार छोड़ करके बाप भाग सकता है लेकिन माता को घरबार नहीं छोड़ना है। माता को संन्यास धारण नहीं करना है। तो यहाँ ब्रह्मा माता है जिसने ज्ञान बीज को धारण कर लिया, पहला ज्ञान धारण कर लिया कि मैं बीज, मैं आत्मा हूँ, पहला पत्ता। उस बीज से पैदा होने वाला पहला पत्ता कौन? मैं हूँ। कृष्ण बच्चे के रूप में मुझे जन्म लेना है। ये पक्का फाउंडेशन पड़ गया। शरीर छूट गया लेकिन वो भावना पक्की बनी रही या उड़ गई? पक्की बनी रही। अंत मते सो गते जरूर होनी है। तो माता की भावना बहुत पक्की होती है। श्रद्धा, विश्वास, भावना, इसके बगैर ज्ञान नहीं टिक सकेगा। ज्ञान पावरफुल होता है। भक्ति शक्तिहीन होती है। लेकिन भक्ति अगर ज्ञान बीज को धारण कर ले तो शक्तिशाली बन जाती है। ज्ञान भी चाहिए और भावना भी चाहिए। ज्ञान भक्ति की जोड़ी है। ढाई हजार वर्ष भक्ति भी चलती है तो ढाई हजार वर्ष ज्ञान की प्रारब्ध भी चलती है। और
हाँ जी क्या बोल दिया शिव को लक्ष्मी अच्छी लगती है या हाँ हाँ शिव को या शिव बाबा को हाँ अब सही बोला शिव कहे तो ज्योतिबिंदु हुआ और ज्योतिबिंदु की याद प्रवृत्ति मार्ग की याद है या निवृत्ति मार्ग की याद है निवृत्ति मार्ग की याद है अगर शिव ज्योति बिंदु को याद करने वाला याद करता है और बहुत याद करता है तो विधर्मी बनेगा या स्वधर्मी बनेगा विधर्मी बन जाएगा बहुत पावरफुल विधर्मी होगा तो इस्लाम धर्म का बन जाएगा उससे कम होगा तो बौद्ध क्रिश्चियन वगैरह वगैरह बन जाएगा तो लक्ष्मी वाली आत्मा शिव को याद नहीं करती है क्या शिव को याद नहीं करती है शिव ज्योति बिंदु को याद नहीं करती है किसको याद करती है हाँ शिव बाबा को कैसे हाँ साकार और निराकार का मेल शिव बाबा कहा जाता है तो अभी वर्तमान में ये तो पता लग गया एडवांस वालों को क्या पता लग गया है नहीं कि लक्ष्मी का पार्टधारी कौन है अगर पता लग गया तो एडवांस का भांति है नहीं तो एडवांस का भांति नहीं है तो जो जो एडवांस के भांति है उनको ये तो पता लग गया कि लक्ष्मी का पार्ट कौन से पार्टधारी का है लेकिन वो पार्टधारी किसको याद करता है है, है? किसको याद करता है अरे बिंदी को याद करता है शिव बाप को याद करता है या किसी और को याद करता है हैं? बिंदु को याद करता है फिर तो विधर्मी बनेगा हैं? किसको याद करता है जोर से बोलो ना बिंदी को याद करता है तो पक्का है ना अगर बिंदी को ही याद करता है और लंबे समय तक जो पुरुषार्थ होता है वही अंत समय में जो लंबे समय तक का पुरुषार्थ होता है अंत मते तो गते तो अंत में भी क्या याद आवेगा बिंदी ही याद आवेगा या साकार में निराकार याद आवेगा है बिंदी याद आवेगी तो क्या बनेगा स्वधर्मी बनेगा या विधर्मी बनेगा विधर्मी बन जाएगा प्रवृत्ति मार्ग का पक्का तो बनेगा नहीं ये बात तो फिर रंग हो गई क्या कि लक्ष्मी बनने वाली आत्मा जो नारी से लक्ष्मी बनती है वो बिंदु को याद करने वाली नहीं हो सकती अव्यक्तवाणी में बोला है जो निराकार उपासी है वो क्षिप्र गति वाले होंगे और जो साकार उपासी है वो चरित्रवान होंगे तो लक्ष्मी का पार्टधारी आत्मा जो वन नंबर पार्वती है वो चरित्रवान होगी दुनिया की आत्माओं के मुकाबले मनुष्य आत्माओं के मुकाबले या दुश्चरित्र होगी विदेशी और विधर्मी दुश्चरित्र होते हैं या सच्चरित्र होते हैं वो तो दुश्चरित्र होते हैं क्योंकि सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु को याद करते हैं तो ये बात तो टोटल रंग है
कि लक्ष्मी का पाठधारी आत्मा ज्योति बिंदु को याद करने वाली है नहीं हो सकती। अरे माना कि नहीं माना, कौन बोल रहा था, माना कि नहीं माना, माना। तो अब प्रश्न ये है कि ज्योति बिंदु शिव को याद नहीं करती है क्योंकि एडवांस ज्ञान तो लिया नहीं है, तो फिर किसको याद करती है? साकार में निराकार को याद करती, साकार को उसने पहचाना ही नहीं। हाँ, शिव के दो रूप है, मात और पिता। तुम मात पिता हम बालक तेरे गायन भी है। तो जो माता का रूप है ब्रह्मा, उस ब्रह्मा साकार में निराकार ज्योति बिंदु को याद करती है। तो चरित्रवान पार्ट बजाएगी या दुष्चरित्र का पार्ट बजाएगी? जन्म जन्मांतर चरित्रवानों का पार्ट बजाएगी। धरणी जो भी कन्याएं माताएं हैं उनमें धारणा शक्ति ज्यादा होती है, और धारणा शक्ति ज्यादा होने के कारण जो ब्राह्मणों की अव्वल नंबर की धारणा है कौन सी है? पवित्रता। उसको वो अव्वल नंबर में धारण करती है, इसलिए फाउंडेशन तो पक्का है याद का। क्या फाउंडेशन है? साकार में निराकार को याद करना। अब वो साकार तो है ही नहीं है, है नहीं है। भक्ति मार्ग में पहाड़ों पर जाते हैं भगवान को ढूंढने, वहां मूर्ति रखी होती है, चित्र रखा होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस का, वो क्या कहते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में ट्रांसलाइट का ब्रह्मा बाबा का चित्र रखा हुआ है। भक्त लोग माउंट आबू में या पहाड़ों पर जाते हैं और जड़ चित्र में ज्योति बिंदु को याद करते हैं। भक्तों की याद क्या होती है? है? यही तो याद होती है। तो यहाँ भी शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है भक्ति की। जो जितना ज्ञान मार्ग में याद में अभिविचारी होता है, साकार में निराकार को याद करने का अभ्यासी होता है, जो जितनी ज्यादा अभिविचारी भक्ति करता है उतना ही जास्ती क्या उठाएगा? ज्ञान उठाएगा। कैसा ज्ञान उठाएगा? अभिविचारी ज्ञान उठा देगा। ज्ञान में अंश मात्र भी अगर विचार आ गया, दूसरे की बात को कान पर धर लिया, धारण कर लिया, तो ज्ञान कैसा हो जाता है? विचारी ज्ञान हो जाता है। और जब ज्ञान ही विचारी हो जाता है तो जन्म जन्मांतर का पार्ट भी उतना ही विचारी हो जाएगा। जितना ज्ञान व्यभिचारी हो गया, और लक्ष्मी वाली आत्मा नारी से लक्ष्मी बनती है तो अव्वल नंबर धारणावान आत्मा है। अव्वल नंबर धारणावान उसे कहा जाता है कि अभी अभी ज्ञान को सुने और अभी अभी धारण कर ले, प्रैक्टिकल जीवन में ले आए। सुनने में, समझने में, धारण करने में और प्रैक्टिकल जीवन में लाने में उसको देर नहीं लगनी चाहिए।
तो लास्ट में आने पर भी ऐसी आत्मा फास्ट चली जाती है। इसलिए कहेंगे कि लक्ष्मी वाली आत्मा किसको याद करती है, है? अंत समय में जब एडवांस ज्ञान मिल जाएगा कि भगवान का रूप न तो भक्ति मार्ग में स्त्री का होता है और न ज्ञान मार्ग में स्त्री का होता है। स्त्री तो धारणा शक्ति है, ज्ञान का बीज नहीं है। ज्ञान का बीज बोने वाला भगवान वो एडवांस में उसका ज्ञान मिलता है। बेसिक में आदि से लेकर के अंत तक बीज बाप का ज्ञान नहीं मिला किसी को। मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है, इस बात का किसी को ज्ञान ही नहीं हुआ। भल मुरलियों में बोला पैंसठ में ही बोल दिया कि तुम बच्चों को ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम नहीं रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रखना चाहिए। अपने नाम से पहले टाइटल ब्रह्मा कुमार नहीं लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। फिर किसी की बुद्धि में बैठा कि ये बाबा ने ये निरर्गल बात क्यों कह दी? अरे भगवान बाप निरर्थक बोलता है या जो भी बोलता है सो अर्थ सही से बोलता है, लेकिन समझा तो किसी ने नहीं। जब तक ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में वो बीज बोने वाला बाप मनुष्य शक्ति का प्रत्यक्ष न हो जाए, तब तक इस रहस्य का पता किसी को नहीं लग सकता। कौन सा रहस्य? कि ब्रह्मा कुमार से पहले प्रजापिता शब्द लगाना क्यों जरूरी है? हाँ, तो क्या पूछा था? लक्ष्मी साकार में निराकार को कौन ज्यादा याद करता है? लक्ष्मी ज्यादा याद करती है या नारायण बनने वाली आत्मा ज्यादा याद करती है? लक्ष्मी को तो पहले एडवांस ज्ञान ही नहीं मिलता है। लक्ष्मी वाली आत्मा तो अभी भी जो एडवांस ज्ञान है, एडवांस ज्ञान का जो तंत्र है, बाप की प्रैक्टिकल स्वरूप की पहचान, उसे पहचान मिली है? नहीं मिली तो किसको याद कर रही होगी? है ब्रह्मा के चोले में, साकार चोले में ज्योति बिंदु को याद करती है। और राम वाली आत्मा है किसको याद करती है? है अरे सीधी सी बात बुद्धि में बैठ गई, दुनिया का बड़े से बड़ा दुष्चरित्र कौन? मैं बड़े से बड़े कामी कांटे में आकर उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ, और जब शास्त्र रचते हैं ना, उन शास्त्रकारों के लिए भी मुरली में बोला है, अपनी अपनी कथा कहानी अपने अपने शास्त्रों में लिख दी है। तो राम वाली आत्मा तुलसीदास बनती है तो क्या लिख दिया? मैं पतितन को राजा। क्या लिख दिया?
मैं पतितन को राजा, सारी दुनिया में पतित हैं, और उन पतितों का राजा कौन, मैं माने कौन? राम बलिया तुम। तो दुनिया के जितने दुष्चरित्र हैं जन्म जन्मांतर के, एक जन्म का नहीं, उनका मुखिया कौन हुआ? राम वाली आत्मा। और दुनिया के जितने सच्चरित्र हुए हैं उनका मुखिया कौन हुआ? है, अरे फिर दो मते हो गए। जब एक बात पक्की कर दी कि दुनिया के जितने भी दुष्चरित्र हैं, धर्म पिताओं को भी क्या कहेंगे? है, उन्होंने तो बहुत विचार फैलाया, फैलाया कि नहीं फैलाया? फैलाया, उनके फॉलोअर्स में बहुत विचार फैला। तो उनका बाप कौन? बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, तो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट बच्चे नहीं है भगवान के? है, है? उनका बाप कौन? उनका भी कोई बाप है या नहीं है? दुष्चरित्रता में भी कोई बाप है? तो जो सबसे ज्यादा दुष्चरित्र बनता है वो सबसे ज्यादा सच्चरित्र बनता है या नहीं बनता है? बनता है। तो उसने साकार में निराकार को याद किया होगा, या निराकार को याद किया होगा? कोई कहता निराकार को याद किया होगा, कोई कहता साकार को याद किया होगा। है, भाई लोग कह रहे हैं साकार में निराकार को राम वाली आत्मा ने ज्यादा याद किया होगा। माताएं क्या कह रही? निराकार को याद किया होगा। माताएं तो ठीक बात कहती हैं, जो दुष्चरित्र होगा दुनिया का उसके लिए बाबा ने अव्यक्तवाणी में क्या बोला है? जो साकार उपासी होंगे वो सच्चरित्र होंगे, बोला कि नहीं? और निराकार उपासी दुष्चरित्र होंगे लेकिन क्षिप्र गति वाले होंगे। पुरुषार्थ में कैसी गति वाले होंगे? तीव्र गति वाले होंगे। साकार उपासी इतने तीव्र गति वाले नहीं होंगे। मोस्टली जितनी भी बांधेली माताएं हैं या नान बांधेली माताएं हैं वो ये रोना रोती है कि हम तो इतने लंबे टाइम से ज्ञान में चल रहे हैं और हमारे युगल तो चल ही नहीं रहे हैं। एडवांस पार्टी में दक्षिण भारत के लोग हैं वो निराकार उपासी होंगे या साकार उपासी ज्यादा होंगे? निराकार उपासी होंगे। तो साबित होता है कि राम वाली आत्मा 76 से पहले निराकार उपासना में जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी मौजूद हो इस दुनिया में उनके बीच में सबसे जास्ती निराकार उपासी होगी या साकार उपासी होगी? मुरली में तो बोला है साकार उपासी होगी। मुरली में तो बोला है आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर जाने पर
जिस आत्मा की भी जितनी भी कट उतरनी हो, कोई की 90% उतरेगी, कोई की 50% उतरेगी, कोई की 100% भी उतरेगी। तो आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर अंत में तुम डायरेक्ट वापसी सीखोगे। तो मीजान लगाया जा सकता है कि 76 से पहले राम वाली आत्मा ब्रह्मा कुमार कुमारों के बीच में सबसे जास्ती निराकार उपासी होगी या साकार उपासी होगी? निराकार उपासी होगी। क्योंकि उस समय तो राम वाली आत्मा को ही ये ज्ञान नहीं होता। क्या क्या ज्ञान नहीं होता? कि बाप का मुकर्रर रथ कौन है? अब प्रश्न ये पैदा होता है, चलो नहीं ज्ञान था साका मुकर्रर रथ का, लेकिन टेम्परेरी रथ का तो ज्ञान था। हाँ, मुरली में तो मना कर दिया, इस ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना है, फोटो भी नहीं रखना है। अगर फोटो भी रखेंगे तो याद आता रहेगा। तो इससे साबित होता है कि जो भी बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे होंगे एडवांस पार्टी वाले, वो ब्रह्मा के साकार रूप को याद नहीं करेंगे। तो राम वाली आत्मा के द्वारा तो याद करने की बात ही नहीं। तो पक्का पक्का निराकार उपासी, तो पक्का पक्का दुनिया का सबसे दुष्चरित्र साबित हुआ या नहीं हुआ? है हुआ, क्योंकि शिव बाप आते ही किसमें है? है बड़े से बड़े पतित कामी कांटे में आते हैं। अब जो सबसे जास्ती दुष्चरित्र हुआ, वो ज्ञान गहराई में उतरता जाएगा या उथला उथला ही बना रहेगा? ज्ञान तो और जास्ती गहराई में जा रहा है। तो जब संपूर्ण ज्ञानी हो जाए, संपूर्ण ज्ञानी अर्थात अपने 84 जन्मों का पूरा ज्ञान हो जाए तो कहेंगे संपूर्ण ज्ञानी। उस समय साकार में निराकार की उपासना करने वाला साबित होगा या सिर्फ बिंदु को याद करने वाला साबित होगा? उस अंतिम स्टेज में जितना वो स्वरूप साकार में निराकार को याद करने का अभ्यास ही होगा, उतना दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप को याद करना सहज है या दूसरे स्वरूप में याद करना सहज है? अपने स्वरूप को याद करना और सहज है, वो तो आत्मिक स्थिति में रहने वाली बात हो गई। आत्मिक स्थिति में रहना ये तो बहुत सहज होता है, औरों के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन राम वाली आत्मा के लिए बहुत सहज से सहज।